भाई गाड़ी लेकर आ चुके हम लोग, मतलब के फाइल ये रही, और हम लोग अभी रास्ते में। भाई नीचे के फ्रेम को सरफ लग रहा है, कंप्लीट हो गई भाई गाड़ी, टायर वायर इंटीरियर वगैरह इसका सारा धुल चुका है। अच्छा दोस्तों ये पूरा कलर मैच है, लेकिन इस फेंडर में थोड़ा मसला, कंप्लीट हो गई। भाई कल जो रिबन हम लोग देखने गए थे वो डन हो गई, उस्ताद से हमने गाड़ी ले ली है ना। उस्ताद कैमरा चला भी लिया, हमने चला भी लिया कैमरा, मुतमईन हो, क्लियर हो गई, पैसे दे दिए, गाड़ी से कोई तुम्हारा वास्ता नहीं है। अब हमारी गाड़ी ठीक है भाई, 27/3/2024 लिख पड़ हो गई, लिख पड़ होगी, मैंने आपको दे दिया पैसे, मेरे पास आ गए, हमारी तरफ से क्लियर है भाई। ये गाड़ी है, नंबर चेक कर लो, ये गाड़ी है, ये देख लो भाई, ये भाई पूछो वाले से, तारिक भाई पूछो वाले से लिया। अब तारिक भाई वीडियो बना ले भाई, भाई ये गाड़ी, बाकी जो है मैं आपको घर पे चल के दिखाता हूँ कि इसका क्या सीन है, ठीक है। भाई गाड़ी लेकर आ चुके हम लोग, मतलब के फाइल ये रही, और हम लोग अभी रास्ते में। पापा कहाँ पर हैं हम लोग? हम अभी नागन का पुल हमने क्रॉस किया है, अभी हम जा रहे हैं गुलिस्तान जोर। अच्छा एक करोला भी तो देखने जा रहे थे। हाँ एक पहले नीपा पे एक करोला खड़ी है, उसको चेक करेंगे उसके बाद जाएंगे। भाई ये वही करोला जिसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे, नवीद अंकल की दूसरी रिबन भी आ गई। नवीद अंकल क्या चल रहा है आपका ये? सारे। अच्छा ये आपको ऑटोमेटिक गाड़ी का पता है ये कैसे चलती है? यार मैंने पहले कभी चलाई नहीं है, अब इंशाल्लाह ली है तो। मतलब क्या आपको डी के बाद डी टू और टू और वन गियर का कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता है? नहीं। मतलब क्या आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे से गाड़ी सीखनी पड़ेगी? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी तो भाई गाड़ी में एंड्रॉइड पैनल, सीट वगैरह, ये वो, ये साइड वगैरह बहुत ही अच्छी है। गाड़ी नवीद अंकल सर्विस कराएंगे तो फिर तो भाई चमक ही जाएगी, मक्खन जैसी बन जाएगी। इस गाड़ी में कुछ सामान भी मिला वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा बहरहाल ये भी हमें मिले शेड्स, पता नहीं कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितने सारे हैं। और डिक्की में भी इस गाड़ी में सामान है यार, तो देख लेंगे। एसी सही है इसका? सही है। अच्छा ओके। तो भाई घर पे आ चुके हैं, और जो करोला थी वो समझ में हमें नहीं आई, तो अब जो है मैं आपको गाड़ी जो है बिल्कुल ठीक से दिखाता हूँ। तो ये है होंडा सिविक रिबन 2007 का मॉडल। नवीद अंकल खड़े हैं हमसे पहले, आ चुके हैं। नवीद अंकल क्या चेक कर रहे हो? पानी वानी चेक किया। पानी नहीं चेक किया? पानी पूरा था? पानी पूरा है। अच्छा इंजन ऑयल वगैरह चेक किया इसका? पानी ठीक है लेकिन थोड़ा सा भरेगा। इंजन ऑयल चेक करो, इंजन ऑयल हमेशा चेक होता है जब गाड़ी ठंडी होती है तब। ओके इसका इंजन ऑयल ओके, इंजन ऑयल भी ओके भाई इस गाड़ी का। और बैटरी पावर ऑयल चेक करो, छोड़ो ये किप दिल पे निकल आई है। हाँ ये लग जाएंगे, इसका क्या है पावर ऑयल? अरे पावर ऑयल है नहीं यार, पावर ऑयल नहीं है जुलूम है यार, इसलिए तो गाड़ी का हैंडल कभी कभार ना वो हो रहा है। ओके तो भाई अब जो है ना मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ। ये जो रिबन है इसमें जो है ये रिम में लेना यार, ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये इस गाड़ी पर सूट नहीं कर रहे हैं। ये मतलब कि होते किसी और अलग टाइप सी स्पोर्ट्स सी कार में ना तो ये अच्छे लगते हैं, रिबन पर जो है ना भाई वो थोड़े डिसेंट टाइप के रिम अच्छे लगते हैं। इस गाड़ी में हमें थोड़ा सामान भी मिला है, चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। क्या हुआ? ये चेक करो भाई, ब्रेक है ही नहीं। अरे यार ये क्या जुलूम है? मैंने पहले कहा था जब भी गाड़ी लो ना सबसे पहले सारी ऑयलें चेक करो, देखो अभी समझ में आ गया ना कि ब्रेक ऑयल भी इसमें नहीं है, पावर ऑयल भी इसमें नहीं है। यार ये जुलूम होता है गाड़ी के साथ जो रखते हैं ना, कसम से ये गलत करते हैं यार, कोई चीज इसमें नहीं। ओके भाई अभी इसको इंटीरियर से देख लेते हैं। इस गाड़ी में जो अभी काम है वो है रबिंग पॉलिश का, इसकी रबिंग पॉलिश होगी। इसके सीट कवर्स भी यार बहुत अच्छे हैं, और बैक में जो है हमें इस गाड़ी में कुछ सामान पड़ा हुआ मिला है। अरे ये तो मेरा ही ट्राउजर है। ओके तो यार यहाँ पर ना इसके दो जोड़ी शेड्स पड़े हुए, और थोड़ा सा 7CF भी है, शायद काम में आ जाए। उसके अलावा जो है इस गाड़ी की मैं आपको डिग्गी की तरफ लेके चलता हूँ, डिग्गी में भी सामान हमें मिला है। अच्छा जो जो सामान मिला है ना भाई ये बहुत ही काम की चीज़ है, मतलब कि ये सामान जो है हमें लेना पड़ता है यार, हम लेने सदर जाते हैं और यकीन करो इसकी। अच्छा लोग सारे जितने हैं वो कमेंट करते हैं कि इमरान भाई इसकी प्राइस बता दो और कहाँ मिलती है। भाई ये सदर में मिलती है प्लाजा पे, और ये इसकी कीमत है 2200 रुपए। ओके ये हर कलर में मौजूद होती है, ये जो है ट्रंक स्पॉइलर है, इसको बोलते हैं ट्रंक स्पॉइलर, हर कलर में मिलती है। और ये देख लो, और ये डिग्गी का ऊपर छत का ये जो है ना मिरर का, हाँ। ये मिलता है 3200 रुपए में, 3200 रुपए। अच्छा ये जो है हमें इस गाड़ी के साथ ही मिले भाई, और ये कपड़ा भी पड़ा हुआ है, कपड़ा भी 2000 का होता है, वो भी हमें मिल गया। अच्छा ये जो चीज है ना ये भी भाई 3000 रुपए की है, ये भी हमें मिल गई। ये देखो मिल गया, जेन्युइन इसका मिल गया भाई। अरे भाई लगाओ, बात खत्म करो, कहानी दी एंड हो गई भाई। ओके ओके इसको लगाओ भाई, बड़ा लकी है भाई, सामान मिल गया यार, ये इनकम्प्लीट था, कंप्लीट हो गई, अब कंप्लीट हो गया नवीद अंकल।
अच्छा इस गाड़ी में दूर से एक थोड़ा सा मसला है, ये जो दरवाजा है ना इसका आगे वाला थोड़ा सा ऊपर है पापा। ये नट है, ये नट्टे, ये नट्टे, ये थोड़े से लूज होंगे ना तो ये नीचे आएगा, उधर वहीं पे फिर टाइट करना है। अच्छा हाँ यार ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी इस गाड़ी का काम ये कि ये गाड़ी जाएगी रबिंग पॉलिश पे, फेड हुई है जेन्युइन कंडीशन में अपनी फेड हुई है, इसकी रबिंग पॉलिश होगी, कल इसकी सर्विस कराएंगे नवीद अंकल। एक मिनट यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये दरवाजा ऊपर है, क्योंकि ये लाइन आ रही है, ये लाइन ऊपर जा रही है, तो हो सकता है ये नीचे जाए। सेटिंग होगी और नीचे भाई इसके जो दरवाजे ना इसके कब्जों की सेटिंग होगी है ना, दोनों क्योंकि ना नवीन अंकल वही मैं बोल रहा हूँ, एक का सिस्टम नहीं है दोनों क्योंकि। देखो ना मुझे ये रिम इतने पसंद है ना, आप यकीन करो ये मार्केट में 75,000 के। हाँ लेकिन ये इस गाड़ी पर सूट नहीं कर रहे। अबे यार ये रेसर के हैं, ये इसी पे सूट करते हैं। इस पर नहीं पापा, भाई ये रेसर के, इधर आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो रेसर का ऐसे ही लगा हुआ है, रिम रेसर लगा हुआ है ना, ये गाड़ी रेसर है ना यार, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा हाँ ना चलो ठीक है, अभी इसकी रबिंग पॉलिश करवानी ना, अब चलते हैं रबिंग पॉलिश। नवीद अंकल आप जाओ रबिंग पॉलिश कराओ, मैं जा रहा हूँ घर पे, ठीक है? अब आप पापा एक काम करना कि आप जो ना ये व्लॉग कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? ओके रबिंग पॉलिश वगैरह का जो भी सिस्टम है कंटिन्यू, ठीक है? तो भाई आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और इस व्लॉग को लाइक करो। तो भाई बाकी कंटिन्यू हम करते हैं इस व्लॉग को, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। सही भाई? ओके भाई, ओके भाई, ओके। तो भाई गाड़ी दी थी रबिंग पॉलिश पे, रबिंग पॉलिश से आ गई है गाड़ी, मैं कहीं और चला गया तो रिकॉर्डिंग नहीं की कि भाई पॉलिश कैसे होती है पॉलिश का, लेकिन आपको पता है कैसे होती है, बहुत मरतबा की है मैंने। ये देखो गाड़ी साइड वाइडों से, इस पर लाइनें थी बहुत सारी खत्म हो गई, अभी लाइनें वाइने चमक रही है, देखो सूरज नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये भाई हो गई चारों तरफ से पॉलिश हो गई है, और अब इसके इंजन में सर्विस करने से पहले क्या लगेगा डीजल, वो कैसे लगेगा वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो भाई अभी खोलेंगे इसका बोनेट, और ये भाई इंजन देखो कितनी मैली है, मट्टी भरी हुई है भाई, नीचे देखो इसका गियर भी नज़र नहीं आ रहा। अभी मारेंगे इसको डीजल, ये देखो भाई डीजल, ये पूरा इसको पहले खड़ा कर दूँ, ये पूरा देखना भाई, थोड़ी देर में ना मट्टी गल के ना नीचे चली जाएगी, इतना साफ़ हो जाएगा, और साफ़ मतलब सर्विस होगा इसके बाद, सर्विस होगा, ये जितनी मट्टी है ना ऐसे गिरेगी नीचे कीचड़ की तरह। ये हमारा नवीद भाई है भाई, ये भी कीड़ा कीड़ा बोलते हैं ना गाड़ी का, कीड़ा कीड़ा है भाई ये गाड़ी का, ये चेक करो भाई, ये लग रहा है डीजल, ये डीजल है भाई, ये हमने तकरीबन 250 रुपये का डीजल लिया है, और पूरे इंजन को लगा रहे हैं सर्विस से पहले, मतलब सर्विस स्टेशन पे जाएंगे तो आधा पौना घंटा हो जाएगा, तो इतनी देर में ये मिट्टी जो है ना गल जाएगी। हर जगह मारना है भाई हर जगह, ये देखो भाई सारा मार दिया, ये देखो भाई फाइनल हो गया ये आपके सामने। आप भी अपनी गाड़ियों को सर्विस से पहले ये कर सकते हो, मतलब अगर इंटीरियर जा रहे हो कहीं तो इसको पकड़ बंद करते हैं भाई। अच्छा दोस्तों ये पूरा कलर मैच है, लेकिन इस फेंडर में थोड़ा मसला है, मसला मतलब ये थोड़ा डार्कपन पे, ये बाद में किसी ने कलर करवाया जैसे गाड़ी ली है, ये आपको शेड नज़र आ रहे हैं वो अलग नज़र आ रहा होगा, ये अलग नज़र, वो इसलिए कि ये थोड़ा जो है ना डार्क है, बाकी सारी मैच है गाड़ी। अब ये दोनों भी नहीं मैच हो रहे, ये देख रहे हो ये सिल्वर लग रहा है ये ग्रे लग रहा है, लेकिन मसला इसी पीस में है, ये बाद में किसी ने कलर करवाया तो मैच नहीं हो पाया है, लेकिन अभी अंदर से गाड़ी मैली है, इंजन रूम इसका मैला है। आज जो होगा आगे वाला काम फिर साहिल भी आपको बताएगा, सर्विस पे साहिल जाएगा। तो भाई सर्विस स्टेशन पर आ गए हैं गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, और गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब है, मतलब कि ये पायदान भी निकल चुके हैं, मिट्टी देख रहे हो भाई गाड़ी के अंदर कितनी है, ये चीज़ें या डैशबोर्ड का अगर कपड़ा उतारते हैं तो डैशबोर्ड फिर भी ठीक है, लेकिन इसकी भी सफाई होगी, सीट कवर भी जो है इसके साफ साफ होंगे, ये जो कचरा है भाई इतना सारा यहाँ पे ये साफ होगा, इसके टायरों में हवा भी कम है, और यहाँ पे देखो ना कचरे वचरे रखे हुए हैं तो ये साफ साफ होंगे, इसकी सीलियाँ वगैरह साफ होगी, सबसे बड़ी चीज़ का इंजन रूम है, डीजल तो हम लोग लगवा के आएँ लेकिन वो भी साफ होगा, और ये गाड़ी को सरफ वरफ लगेगा बॉडी को तो फिर ही काम होगा। और इधर क्या सीन है, इधर ये प्लासें वेलासें रखी हुई हैं, साफ सफाई नहीं है भाई इस गाड़ी में, सामान सारा निकलेगा बाहर और फिर गाड़ी का सर्विस का टाइम होगा, बहरहाल अभी सामान निकल रहा है मेरे ख्याल से जो जो है गाड़ी के अंदर, और ये भी हमें लगाने आज इनके लिए डबल टेप वगैरह लेनी है, और डिग्गी मैं आपको दिखाता हूँ, डिग्गी क्लियर है भाई, लेकिन ये सामान वामान निकलेगा साफ साफ होगा, ठीक है फिर ही काम चलेगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। चलो आगे बैठते हैं, वेट करते हैं और देखते हैं गाड़ी का क्या क्या होने वाला है, सारा दिखाता हूँ मैं आपको। भाई सर्विस वाले उस्ताद को जो है अभी हम लोग इंजन रूम की कंडीशन दिखा रहे हैं,
मतलब किसको पता हो ना क्या रोशनी में कि इंजन की क्या कंडीशन है। इंजन जो है ना भाई इस गाड़ी का काफ़ी मिट्टी था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उस्ताद है हमारा सर्विस वाला, ये जो सर्विस करेगा। देख रहे हो भाई अंदर मिट्टी बड़ी है यार, इसमें गाड़ी में अंदर काफ़ी मिट्टी है, यहाँ पे भरी पड़ी है। ये सब साफ होगा भाई इसका, डीजल से, सर्फ से, पानी से, बहुत कुछ लगेगा इसमें। देखो भाई कीचड़ लगा पड़ा है अंदर, तो ये उस्ताद चेक कर रहा है अभी इसका, देखते हैं क्या हाल निकलता है और फिर उसके बाद ही सर्विस होगी भाई। गाड़ी अपने ठिकाने में अभी ठीक है, अब इसकी जो है सर्विस होगी। सर्विस स्टेशन अंदर आ गई है, इंजन रूम में पानी लग रहा है भाई इसके, इंजन साफ हो रहा है, टायर भी साफ हो रहे हैं भाई गाड़ी के, ये टायर साफ हो गया इसका। अब इस टायर की बारी है भाई, नीचे के फ्रेम को सर्फ लग रहा है, और मतलब कि अब गाड़ी ऊपर हुई ना तो ये जो फ्रेम है इसको भी नीचे से पूरा साफ किया जाएगा, इसमें भी नीचे ऑयल वगैरह लगेगी, टायर वगैरह देख रहे हो उसके अंदर से पूरे हब वगैरह जो ना सारों को सर्फ लगा है। ये चीज़ें देखो सब भाई, सामान वामान जो है ना इसका सर्फ लगा पड़ा है, ये सारी चीज़ें अब धुलेंगी फुल सर्विस में। यार ये गाड़ी का फायदा है कि आपकी गाड़ी जो है ना ऊपर से तो धुल जाती है, लेकिन भाई नीचे से भी जो है ना इसका काम ओके हो जाता है। अब ये यहाँ से पूरा साफ होगा कपड़े से, फिर इसको पानी लगेगा और फिर इसके इंजन रूम की बारी है। ठीक है चलो अभी तो फिलहाल बाहर चलते हैं। ओके भाई अभी जो है पानी तो लगा हुआ था पहली गाड़ी को, पूरी गाड़ी को सर्फ लग चुकी है। इसके लिए नवीद अंकल एक और मसाला लाए, लाइव बॉय शैम्पू। नवीद अंकल बोल रहे हैं कि कपड़े को लगा के फिर इससे सफाई होगी ना तो गाड़ी में और भी शाइन आएगी। ऐसा और भी है, अभी शाइनिंग आएगी। समझ गया। मेहनत जो है ना सच्चाई के साथ करनी चाहिए, हम पूरी कोशिश करते हैं, दोस्त हमारे अच्छे हैं, सर सर है, हम भी सच्चाई करते हैं और रोजी के साथ सच्चाई होना लाजमी है। ठीक है, हमारी रोजी इनकी रोजी, ये जितना सच्चा होंगे तो रोजी इनको बिल्कुल खिलाएगी। ठीक है भाई, ठीक है भाई अभी यहाँ पर इसकी बॉडी वॉडी साफ होगी इस शैम्पू से और इंजन भी इसका धुलेगा भाई। गाड़ी रोशनी में आ गई है, पता नहीं कौन से केमिकल इसको लगाए गए हैं, पता नहीं क्या क्या लगाया। ये देखो भी यहाँ पर कचरा वचरा तो उतर गया इसका, अब इंजन साफ हो जाएगा इसका, उसके बाद डीजल लगेगा और बाहर से भी जो है गाड़ी को शैम्पू वगैरह लग गया है, अब ओके हो जाएगी भाई ये गाड़ी। ओके जा रही है भाई गाड़ी बस साफ होने के लिए और अंदर का काम होने के लिए, बाकी कंप्लीट हो गई, उस तरफ लगेगी और फिर दिखाता हूँ। सफाई चल रही है भाई गाड़ी की। अच्छा इधर जो है भाई अंदर से भी जो है ना इंटरक्लीन की तरह काम चलता है, मतलब कि पूरी सर्फ की बाल्टी होती है और इससे जो है ना कपड़े से पूरी सफाई होती है, इसकी डैशबोर्ड की, अंदर कंसोल की, सीटों की सारी सफाई होती है भाई सर्फ से इधर। और अभी बाहर से भी जो है साफ सफाई चल रही है, डिग्गी का भी सारा सामान जो है गया है धुलने पर, डिग्गी भी धुल के आई है, अब यहाँ पर पैकिंग वगैरह होगी भाई। ठीक है इंशाल्लाह भाई, अब जो है ना गाड़ी ने अपना लुक निकाला है, मतलब कि ये जो लुक है ना भाई कातिल लुक है इस गाड़ी का। आप देखो साइड कितनी चमक रही है, ये सब लाइव वॉश शैम्पू का कमाल है भाई। हाँ कंप्लीट हो गई भाई गाड़ी, टायर वायर इंटीरियर वगैरह इसका सारा धुल चुका है, ये देखो मतलब कि शदीद साफ जो इंटीरियर होता है ना गाड़ी का वो हो चुका है। इंजन रूम तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। नवीद अंकल को भाई सफाई पसंद है, ऐसा नवीद अंकल सही बिल्कुल पसंद है ना। तो चलो यार अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और पहले तो इसमें हवा डलवाते हैं यार, हवा नहीं है गाड़ी में है ना नवीद अंकल। हाँ हवा बैलेंस करवाते हैं। चलो भाई गाड़ी हम लोग घर पे ले आए हैं, इंजन देखो भाई अब गाड़ी का कितना साफ हो चुका है, मतलब कि अब जो है भाई लग रहा है कि यार इंजन है। पहले तो उस पर नवीद अंकल मिट्टी लगी हुई थी पूरी, बहुत मिट्टी लगी हुई थी भाई, अब नवीद अंकल मिट्टी हो गए हैं। सही है, तो भाई गाड़ी अभी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ सामान इसके जो कि शाम तक लगेंगे और तब तक यार रात हो जाएगी। इस गाड़ी की अभी पॉलिश वॉलिश भी होगी और बाकी तो भाई गाड़ी जो है बिल्कुल ही साफ सुथरी हो चुकी है, देखो कंप्लीट हो गई ना यार, इधर से भी कंप्लीट हो गई। ठीक है तो आज तक की वीडियो जो थी इस गाड़ी की यही थी, कल जो है मैं इस गाड़ी का रिव्यू आपको दूंगा कि इसका क्या सीन है। बाकी आप लोग व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।